खबर जनपद पौड़ी से है, जहां व्यापार सभा की ओर से कराए जा रहे पौड़ी महोत्सव के अंतिम दिन गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों को सुनने के लिए कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग रामलाल मैदान में पहुंचे। इस दौरान नरेंद्र सिंह नेगी व अनिल बिष्ट के गीतों ने कार्यक्रम में समा बांध दिया, जिसके बाद गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने व्यापार सभा का आभार जताते हुए कहा कि पौड़ी शहर में व्यापार सभा बेहतरीन कार्य कर रहा है, जो कि सराहनीय है। उनके आग्रह से ही यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे हजारों की संख्या में लोगों का भी आभार जताया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि व्यापार सभा द्वारा पौड़ी में बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। व्यापार सभा, सबसे पहले तो मैं व्यापार सभा अध्यक्ष श्री विनय शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने इस आयोजन को भव्य रूप दिया और साथ ही पूरे सभी जो पौड़ी के व्यापारी हैं उन लोगों का जो बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग रहा, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और भविष्य में विनय शर्मा जी ने भी बोला और हम लोगों के सभी के योगदान से बहुत इसको भव्य रूप से हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। जी, मैं तो पौड़ी का ही रहने वाला हूँ। पौड़ी मेरी जन्मभूमि, मातृभूमि, और यहाँ पे तो हमेशा भीड़ ही रहती है। जब भी कोई कलाकार आते हैं पौड़ी में तो बहुत भीड़ होती है। आज भी आप तो इस कड़कड़ाती ठंड में आप देख रहे हैं कि लोग दिसंबर के महीने पौड़ी में और लोग घर से बाहर हैं और बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे। तो ये मैं वर्षों से देखता आ रहा हूँ पौड़ी के लोगों का उत्साह, और ये लोग जो हैं प्रोत्साहित करते हैं हम कलाकारों को प्रेरित करते हैं और हमारा हौसला बढ़ाती है ऐसी भीड़। तो मैं पौड़ी के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।